बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से होगा शुरू। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। गृहमंत्री पर आरोप लगाने को लेकर भारत ने लगाई कनाडा सरकार को लताड़। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को तलब करके इसके गंभीर नतीजे भुगतने की दी चेतावनी। सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी महेश पांडे को दिल्ली से पकड़ा। आरोपी से मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद। दुबई के नंबर से दी थी पप्पू यादव को धमकी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग एनकाउंटर में दो आतंकी ढेर। श्रीनगर मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर फारूक अब्दुल्ला का सवाल। पूछा आतंकी वारदातों के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का पलटवार। कहा फारूक को पता है पाकिस्तान भेजता है आतंकी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजराती नववर्ष के अवसर पर आम लोगों से की मुलाकात और दी नववर्ष की शुभकामनाएं। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रदेशवासियों को दी दिवाली पर्व की शुभकामनाएं। बारामती में अपने आवास पर लोगों से मिले शरद पवार। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। पिछले 57 वर्षों से जब से शरद पवार पहली बार 1967 में निर्वाचित हुए थे यह एक खुले सदन की परंपरा चल रही है। साथ ही कहा बारामती में हर घर में पड़वा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर किया पलटवार। कहा हिमाचल को या कर्नाटक जहां भी है कांग्रेस की सरकार। उन्होंने चुनाव प्रचार में बोला झूठ। गिरिराज ने चुनाव आयोग से की मांग। वादे पूरे नहीं करने वाली पार्टी को राज्य में चुनाव लड़ने पर लगे रोक। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का शिवसेना यूबीटी पर हमला। कहा उद्धव ठाकरे के शिवसेना के एक नेता ने महिला उम्मीदवार शाइना एनसी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। इसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। साथ ही पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को देश से माफी भी मांगनी चाहिए। मेदिनीपुर उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष। टीएमसी के राज में वे तय करते हैं कि किसे वोट मिलना है। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी और अब वे भय के माहौल बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। 2 नवंबर को आर्जकर रेप मर्डर मामले के 90 दिन हो जाएंगे पूरे। हत्या में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करे और सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जाए। जूनियर डॉक्टर राजदीप का बयान। आज भैया दूज का पावन पर्व। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व है भैया दूज। इस अवसर पर महिलाओं ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को तिलक लगाकर भाई दूज मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईआईटी कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने रक्षा स्टार्टअप शोकेस में शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोंपे गणेश शंकर विद्यार्थी और कप्तान लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध कानपुर से रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण की मार। कई इलाकों में हवा हुई बहुत खराब। आनंद विहार जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। अक्टूबर महीने में सप्तर्जंग में मासिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों मामलों में 1951 के बाद अक्टूबर 2024 सप्तर्जंग में सबसे गर्म अक्टूबर का महीना रहा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दिवाली के बाद छाई प्रदूषण की धुंध। रोज तड़के शहर में प्रदूषण की मार से लोग परेशान। दिवाली के बाद मुंबई में भी हवा की क्वालिटी हुई खराब। प्रदूषण से छा गई धुंध और दिन में रात जैसा देखने को मिला नजारा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इस बार हवा में आतिशबाजी का जहर कम खुला। एक्यूआई में मामूली सुधार। एनसीआर में नोएडा की हवा रही सबसे साफ।
राजस्थान के जयपुर में भी हवा हुई जहरीली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माने तो राजधानी के कुछ इलाकों में छाई है धुंध की पतली परत। AQI 252 पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। अक्षरधाम मंदिर के पास रोजाना सुबह धुंध की परत देखी जा रही है। मुंबई की हवा हुई जहरीली। वायु प्रदूषण के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा बरली से लिंक पर प्रदूषण की धुंध से लोगों को सांस लेना हुआ मुश्किल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी। इस्कॉन धर्मगुरु के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा पताका फहराने का आरोप। अबुधाबी के BPS हिंदू मंदिर में दिवाली का त्यौहार मनाया गया। वहां हजारों संख्या में लोग मंदिर में जुटे। लोगों ने पूजा अर्चना की और दीप जलाकर दिवाली मनाई। असम में करीमगंज बॉर्डर पर पकड़े गए दो बांग्लादेशी घुसपैठिए। BSF ने दोनों को वापस भेजा बांग्लादेश। पाकिस्तान में चीनी राजदूत के बयान से बचा बवाल। जियांग ने कहा चीनियों पर पाकिस्तान में हमले नहीं होंगे बर्दाश्त। शहबाज सरकार ने राजदूत के बयान को कहा आश्चर्यजनक। स्पेन में भारी बारिश के बाद जल प्रलय जैसा संकट। बाढ़ बारिश के कारण अब तक 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। पूरे देश हुआ पानी। चुनाव दिवस से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करने के लिए एकत्र हुई महिला वोटरों ने किया जमकर डांस और कमला हैरिस के समर्थन में लगाए नारे। और चलिए बुलेटिन